Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेंटेनेंस के लिए रनवेज का बंद होना तो मामूली बात है, तो फिर 28L के बारे में एयर कैनेडा के पायलट्स को क्यों नहीं बताया गया? अगर ये बात उन्हें पहले से पता होती तो ये उलझन पैदा ही ना होती। हर परवास को नोटम्स यानी नोटिसेस टू एयर मिशन दिए जाते हैं, जिसमें टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की सारी अहम मालूमात दर्ज होती है। ये मेंटेनेंस वाली बात भी नोटिस में लिखी हुई थी, मगर पायलट्स ने तवज्जो से नोटिस नहीं पढ़ा था, और ये थी उनकी दूसरी बड़ी गलती। और फिर आई तीसरी बड़ी गलती। ATC ने एयर कैनेडा को विजुअल अप्रोच से लैंडिंग की इजाज़त दी थी। इसका मतलब ये कि वो खुद रनवे ढूँढ कर जहाज को मैन्युअली अलाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल भी करना चाहिए था, जो उन्हें रनवे की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता, मगर उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। मुसलसल एक के बाद एक गलती करने की एक वजह ये भी थी कि उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और वो दोनों पायलट्स बिना ब्रेक के पिछले 20 घंटे से मुसलसल ड्यूटी कर रहे थे। जब एयर कैनेडा का जहाज करीब आने लगा तो लाइन में सबसे आगे खड़े फिलीपींस एयरलाइन के पायलट चौकन्ना हो गए और उन्होंने एहतियातन अपनी लाइट्स ऑन कर दी ताकि एयर कैनेडा को नज़र आ जाए कि यहाँ पर पहले से जहाज खड़ा है। एयर कैनेडा के पायलट्स ने अंधेरे में सामने से लाइट आती देखी तो उन्हें शक हुआ। लैंडिंग में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए उन्होंने फौरन ATC से रابطہ किया, मगर ATC ने उन्हें तसल्ली दी कि रनवे नंबर 28R बिल्कुल खाली है और वो लोग आराम से लैंड कर सकते हैं। तब तक ATC को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो लोग टैक्सीवे को ही रनवे समझ रहे हैं। खुशनसीबी से ATC और एयर कैनेडा के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगु को वेटिंग में खड़े वो चार जहाज भी रेडियो पर सुन रहे थे। ये बात सुनते ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि एयर कैनेडा का जहाज टैक्सीवे को ही रनवे समझकर तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ रहा है। बिना एक और सेकंड ज़ाया किए यूनाइटेड वन के पायलट ने रेडियो पर कहा, दे आर ऑन द टैक्सीवे। इसके जवाब में ATC ने फौरन उन्हें गो अराउंड का सिग्नल दिया। जब तक एयर कैनेडा को ये मैसेज मिला, वो उन पार्क्ड जहाज़ों से सिर्फ चंद फुट की दूरी पर थे। पायलट्स ने फौरन रिएक्ट किया, लिवर खींचा और प्लेन को वापस ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए। अगर एक और सेकंड लेट हो जाते तो एविएशन हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाता, क्योंकि अगर ये 5 तैयारे आपस में टकरा जाते तो इससे होने वाले जानी और माली नुकसान की तलाफी नामुमकिन होती। इस वाक़े के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक यहाँ गलती एयर कैनेडा के पायलट्स की थी, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया और ना तो नोटम्स को ध्यान से पढ़ा। और उस दिन से ये रूल बना दिया गया कि रनवे बंद होने की सूरत में विजुअल अप्रोच से लैंडिंग की इजाज़त किसी भी तैयारे को नहीं दी जाएगी। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।